नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज बात करेंगे प्री डी ई एल ई डी एग्जामिनेशन 2023 के बारे में। जो एग्जामिनेशन प्री BSTC 2023 के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया संपूर्ण डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले इसके एग्जाम फॉरम से लेकर फीस सिलेबस पूर्ण संपूर्ण डिटेल से बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना। सबसे पहले इसके बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन के पात्र उपलब्धता, मतलब 10 जुलाई 2023 से इसके ऑनलाइन फॉरम चालू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अगर बात करें तो 30 जुलाई 2023 तक इसके ऑनलाइन फॉरम रात्रि के 12 बजे तक चालू रहेंगे। उसके बाद में इसकी परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जुलाई रहने वाली है। उसके बाद में इसकी बात करें तो योग्यता क्या रहने वाली है, कौन कौन इसके अंदर भाग ले सकता है। अगर बात करें तो पात्रता, मतलब शैक्षणिक योग्यता, इसके अंदर दे रखा है उच्च माध्यमिक परीक्षा। अगर आपको 12th होनी चाहिए, 12th आप किसी भी स्ट्रीम से अगर हो तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके लिए सामान्य से 50% आपके 12th के अंदर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 45% सामान्य, जो भी बाकी के वर्गों के लिए पूरे 45% होने चाहिए, 44.99, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद में इसकी आयु सीमा की दे रखी, मतलब कितनी आयु आपकी होनी चाहिए। आवेदक की अगर बात करें तो आयु 1 जुलाई 2023 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कम अगर बात करें तो कितना भी अगर हो सकता है, इसकी 12th पास के बाद में आपको आयु आपकी कम कितनी भी हो सकती है, चाहे 17 से 18 से कितनी भी हो सकती है, अधिकतम 28 से अधिकतम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे आरक्षण। प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमों अनुसार होगा, जो राज्य सरकार के नियम है उसके अनुसार होगा। उसके बाद में आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन ऑनलाइन इसके आवेदन होंगे, जिसकी ये वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आप सीधे कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन डेबिट कार्ड के माध्यम से आप इसका भुगतान कर सकते हो। उसके बाद में इसकी अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो जो जिसके सामान्य DLED और सामान्य संस्कृत में अगर किसी भी एक पाठ्यक्रम अगर आप भाग ले रहे हो तो आपको 450 रुपये लगने वाले हैं। अगर आप दोनों के अंदर अगर भाग ले रहे हो तो दोनों पाठ्यक्रम के अंदर अगर उसमें आपको 500 रुपये लगने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण जो निर्देशक दे रखे हैं, इसके अनुसार आपको फॉर्म पूरा अप्लाई करना होगा। जो अपना इसके अंदर साफ साफ राज्य सरकार के अंदर गाइडलाइन के अंदर दे रहेगा कि अपना आप खाता खोले, उसके माध्यम से आप काउंसलिंग के पैसे करोए ताकि आपको आसानी रहे आपके वापस खातों में आने के लिए। अगर आपको एडमिट कार्ड की बात करें तो परीक्षा प्रवेश पत्र की अगर जो भी एग्जाम डेट होगी उससे 7 दिन पहले आपको डाउनलोड, आप इस वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में इसका प्रश्न पत्र, मतलब इसका सिलेबस के माध्यम से क्या क्या रहने वाला है, पर जो कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 200 प्रश्न होंगे, सभी बहुविकल्पी मतलब ABCD वाले प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, किसी प्रकार का नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे पहले 1 नंबर इसके विषय की बात करें तो मानसिक योग्यता रीजनिंग 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के। उसके बाद में राजस्थान की सामान्य जानकारी 50 क्वेश्चन 150 नंबर के। उसके बाद में शिक्षा अभिसमता आएगी 50 क्वेश्चन 150 नंबर के। उसके बाद में आपको इसमें से या तो तीनों में से दो करने हैं आपको, कोई भी। अगर आपको संस्कृत आपका सब्जेक्ट रहे तो आप संस्कृत करना, या अगर आपको हिंदी रहे तो हिंदी और इंग्लिश करना, या संस्कृत और अंग्रेजी, आप दोनों में से एक कर सकते हो। इसके अलावा आपका कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर देना।
वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर देना।